पजामे ही पजामे यहाँ पर। ये तो पूरा का पूरा बढ़ चुका है। मुझे लगा ये दोनों के दोनों एक हैं। अंदर से देखो ये कैसी है। पागल हो जाऊंगा इस खतरनाक धूप पे। पता है भी दादी झाड़ू लगा रही थी, मैंने झाड़ू ले लिया। वो भी पता है किस लिए? कि मैं इस रूम को साफ कर पाऊं। अगर ये तुम दर्री हटाओगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम रेगिस्तान में घूम रहे हो। सही में इतनी खतरनाक मिट्टी हो रखी है यहाँ पे इतनी सारी। पहले मेरे को पूरा का पूरा रूम एकदम क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन पता है ये सीख वाला झाड़ू ना जमता नहीं है मुझे, इससे होता नहीं कुछ साफ। कोई बात नहीं, हथियार तो देख लो पहले तुम। झाड़ू तो लगाते रहेंगे, हथियार देख रहे हो, छोटा है लेकिन खतरनाक है। और ये पता है शार्प करा हुआ है। तो चलते हैं काम करने, कार्य प्रगति पर है। ये तो सिर्फ मैं अभी एक साइड से लेके आया हूँ मिट्टी को, अभी देखना जब मैं पूरा लगा लूंगा। पता है पहले मैं इस चीज को उठा के यहाँ पे रख दूँ। और ये पता नहीं क्या है, ये पता एक बार पूरा का पूरा नीचे गिर गया था जब मैं सफाई कर रहा था। अब नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने उसे ऊपर रख दिया। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, सिर्फ मैं इस वाले रूम से लेके आया हूँ इस मिट्टी को, और इतनी सारी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे तो मेरा साफ कर दे, लेकिन ये बहुत कुछ है नीचे। ये सारा का सारा पता है नीचे से निकला है, बॉल रैपर्स और भी पता नहीं क्या क्या। पता है ऐसा फील हो रहा है मैं सड़क पे झाड़ू लगा रहा हूँ। अब कर भी क्या सकते, चीजें निकली इस तरीके से रही है। 1 2 3 नीचे नीचे, वाह क्या बात है। ये पता नहीं कितने बरसों से यहाँ पे, फाइनली हुआ सब कुछ खत्म। दादी मैगी तो है ही नहीं, प्रियांशु रात को खा गया था कच्ची उसे, रात को। अभी पता है सही में बहुत बड़ा सीन हुआ। एक्चुअली में हुआ ये था कि दादी ने मेरे को कहा अपने लिए मैगी बना ले, मैंने बोला ठीक है। लेकिन जैसे मैं मैगी को ढूंढने के लिए गया, तब मेरे को याद आया वो जो मैगी थी ना वो प्रियांशु पता रात को कच्ची खा गया था। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे कपड़े जो रखे ना बाहर, ये सारे के सारे निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये सूख चुके हैं। इन सबको रखो यहाँ पर, पहले तो बाहर चलो क्योंकि जैकी भौंक रहा बड़ी तेजी से। जैकी क्या देख लिया? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ, कुत्ता है ऊपर। मैं जा रहा हूँ छत पे एडिटिंग करने। एक मिनट, मेरे फोन की बैटरी कितनी है? पहले फोन चार्ज लगा लूँ क्योंकि मेरे को छत पे बैठना बहुत देर तक। यहाँ पे है क्या? दादी ने मुझे सेवियां बनाने के लिए बोला है। चलो कोई नहीं, मैं ये तो बना ही लेता हूँ। वैसे दूध तो उबल चुका है, इसे डालते हैं, ज्यादा ना हो जाए। ठीक है इतना बहुत है, बहुत है इतना। करछी कौन सी है? यही निकालनी पड़ेगी। अब थोड़ी बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इस पे चीनी डाला? नहीं चीनी नहीं डाली मैंने इस पे, भी डालनी पड़ेगी। अब ये बन चुका है, वैसे इसे बंद करते हैं। अब इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। स्पून डाला, चलो छत पे कह रहा हूँ यार, मैं पागल हो जाऊंगा इस खतरनाक धूप पे। रूम में जाना पड़ेगा, इसे तो बंद कर दे पहले। अरे वाह क्या बात है, इसने मेरे को डरा दिया। मैं कहने वाला था मैं जैकी के लिए खाना लेके आता हूँ, क्या बंदा है ये भी। इसे यहाँ रखते हैं, पहले जैकी के लिए कुछ लेके आते हैं। जैकी मैं लेके आया ब्रो। जैकी देखना भी कुछ तो करेगा। कुछ करा ही नहीं इसने, मूड में नहीं है बंदा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्यों देख रहा है बार बार, क्योंकि फोन तो मैं डेली लेके घूमता हूँ, आज कोई नई बात थोड़ी ना इसमें। रूम में चलते हैं, अभी भी देख रहा है। जैकी पता नहीं क्यों देख रहा है, बैठो नीचे। ये देखो अभी भी देख रहा था, अब उधर मुंडी घुमा ली उसने। A few moments later वो फिर से देखने लगा। को लेके चलते हैं नीचे। पता है मुझे अभी कहाँ जाना है? वहां छत पे बैठने के लिए, क्योंकि जो दाल रखी है ना मेरे को उस चीज का ध्यान रखना है। कल तो प्रियांशु था, आज मैं अकेला हूँ तो अकेले करेंगे। मेरे ईयरफोन्स कहाँ है? क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने जाना है ना वहां पे, इसलिए लाइट तो यहाँ पे आ नहीं रही है। अरे वाह चमत्कार आ रही है, मेरे को फिर भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि पंगा यही है, मेरे को बंदरों से बचाना है उसे, नहीं तो मैं रूम पे बैठ जाता। अभी आया, टूटियो मत। ये रहा मेरा कोना, पकड़ लो कोने को। What's up everybody, welcome to not the blog. One eternity later. मैं यहाँ पे पता है पिछले एक घंटे से बैठा हुआ, और एक घंटे से मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ अपने व्लॉग को, जिस व्लॉग को एडिट करने में मेरी बहुत माथापेची हो रही है। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारी की सारी क्लिप्स पता है मिक्स हो गई हैं, कोई ऊपर चली गई कोई नीचे चली गई, तो इसके चक्कर में मेरे को पता है वो सारी की सारी सीक्वेंस में लगानी पड़ रही है। सीक्वेंस में लगाते लगाते टाइम कुछ ज्यादा ही बर्बाद हो गया, और उसके बाद फिलहाल तो मेरा व्लॉग अभी प्रोसेस पे है, कम से कम 1.5 घंटे या 2 घंटे और लगेंगे एडिट करने में। और अभी मैं इस छत पे बैठा हूँ, कभी मैं यहाँ पे बैठता हूँ, कभी मैं वहाँ पीछे बैठता हूँ, तो कभी मैं यहाँ पे बैठता हूँ। दादा दादी गए हुए खेत में इस दाल को लेने के लिए। A few moments later. ये कौन लेके आया भाई? चप्पल? कोई अंदर है क्या? कोई नहीं है।
यहाँ पर भी कोई नहीं है, कोई घर पे आया था। चलो कोई बात नहीं, जो भी आया हो। जैकी ऊपर नीचे बस ऊपर नीचे करते रहो। अब कहाँ पे बैठूं? मैं तो सोच रहा हूँ इसके ऊपर लेट जाऊं, लेकिन छोड़ो यहीं पे बैठते हैं। ये ठिकाना बढ़िया है अपना। मैं यहाँ पे खड़ा हो रखा था, गलती से मेरी नजर पड़ी वहां पर, और देखो जगह कैसी लग रही है। ऐसे लग रहा है ना रिंग है, MMA की रिंग तो नहीं लग रही, वो लग रही है WWE की रिंग। देखो पोल, यहाँ पे रस्सियां, रस्सियां तो नहीं है, ये भी पाइप्स हैं, लेकिन ये लोहे के, लेकिन लग रही है वाकई में रिंग। यहाँ पर एक दरोक वाला पोज हो जाए, उसके लिए मेरे को यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं, ऐसे कर देते हैं नीचे से, ऐसे थोड़ी बॉक्सर जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। अब रिस्क ले लेते हैं ऊपर चढ़ने का। वैसे तो यहाँ पे चढ़ता है, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ूंगा मैं, यहीं तक चढ़ूंगा। चढ़ा, दूसरा वाला पैर यहाँ रखेंगे, थोड़ा स्लीपर निकालने पड़ेंगे। ओ वाह चढ़ गया मैं, अब मार दे दरोक वाला पोज। क्या बात है, क्या फील आ रहा है यहाँ पे। नीचे उतर जाओ अब। वो यहाँ धूप में बैठे बैठे एडिटिंग कर करके मेरा दिमाग घूम चुका है ना, तो इसीलिए मैं ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। यहाँ से निकलते नीचे, क्योंकि दादी आ चुकी है। अब दादा वैसे अभी आए नहीं, शायद दादा आएंगे 3 या 4 बजे तक, लेकिन कोई नहीं, मैं निकल रहा हूँ नीचे, क्योंकि मुझे जाना है वीडियो को अपलोड करने के लिए। बस थोड़ी देर पहले पता मैंने अपना व्लॉग लगाया अपलोडिंग पे, और अपलोडिंग पे लगाते लगाते पता मैंने अपने भाई का व्लॉग देख लिया। तो उस बंदे ने व्लॉग बनाया था, उनका कंपटीशन था, फूड कंपटीशन नहीं कह सकते हो, या इंटरनेशनल शेफ डे भी कह सकते हो तुम, दोनों सेम ही तो है। तो खड़े खड़े मतलब मैंने पूरा का पूरा व्लॉग देखा, मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपना वीडियो काफी देर पहले लगा दिया था अपलोड पे, और घूमते फिरते मुझे ये दिख गया। और वैसे मुझे पता क्यों दिखा, क्योंकि पता मेरे दिमाग में एक चीज चली थी कि मेरा ये वाला कवर कहां चला गया है, ये मेरा जो बैग है ना उसका है। अब इसे निकालते हैं, पहले पता है आटे का जो बैग है ना, अमन इतना बड़ा लेके कैसे आया, ये बैग इतना भारी है ये। अच्छा हुआ उसने मेरे को नहीं दिया, सर घूम जाता मेरा। अरे हाँ, वैसे वो बंदा मुझसे लंबा भी है काफी, मेरी उसके जितनी हाइट होती तो मैं भी आराम से लेके आ जाता। पहले पता है इसको साफ करना पड़ेगा, बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी तो नहीं है इसमें, बहुत आटा है। इसको बाहर ले चलो, अगर ये बाहर रहा विदाउट एनी कवर तो बस ये गया, पूरा का पूरा हो जाएगा ये गंदा। मेरा ट्रंकेट पड़ा हुआ है बाहर, और मेरे ट्रंकेट का कवर ये रहा, ये तभी यूज करो मतलब। अरे ये वाटरप्रूफ है, मेरा भाई बता रहा था वाटरप्रूफ है। चलो ठीक है, जैसा भी प्रूफ है, ये इसको बाद में चढ़ाऊंगा यार। जब राहुल ने मेरे को इसकी फोटो भेजी थी ना, तो मेरे को इतना बढ़िया नहीं लग रहा था ये, लेकिन सामने से बड़ा कूल लग रहा है। और ऑरेंज कलर मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि पता है ये हाईलाइट होता है, दूर से ही दिख जाता है। कोई नहीं, ट्रंकेट को ले चलो अंदर। मैंने कितनी देर से अपना फोन यहाँ पर रखा हुआ, और मेरा वीडियो सिर्फ अभी तक पता है 50-60 MB अपलोड हुआ है। अब मेरे को इस चमत्कारी स्थान पे आना होगा अपना फोन रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी पता है यहाँ पे बड़ी खतरनाक सी स्पीड आती है। इसको रखेंगे इधर, पहले फेंको और उसके बाद चढ़ो, अगर दोनों काम एक साथ करे तो सीधा फिर नीचे गिरो। कैसे बांधा दादी ने ये तो कुछ अलग ही बांध रखा है। ये रहा नीचे तौलिया, ये पता बढ़ता जा रहा है, पूरा छत बढ़ जाएगा। उसके बाद शायद हम खेत में भी रखेंगे पीछे, और जहां से यह आ रहा है ना वहां पे पता है बहुत सारे हैं अभी। अब ये दाल जितनी भी हरी हरी हो रखी है ना, ये पता है अगर तुम खोल के देखोगे, मैं एक मिनट खोल के दिखाता हूँ कहाँ पर है। मैं तुम्हें इसमें से एक निकाल के दिखाता हूँ अंदर से कैसी है। अंदर से देखो ये कैसी है, अंदर से है थोड़ी मटर की तरह, छोटी सी लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी। अब जो सूखा हुआ है ना वो दिखाता हूँ तुम्हें एक बार। सूखा वाला तो मेरे को कोई स्पेशल मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी मिले मैं फिर भी दिखाता हूँ। सूखा हुआ देखो ऐसा लगता है, सूखने के बाद पता है कुछ ज्यादा ही सख्त लग रहा है। ये सुखाने के लिए रखे हैं, ये फैला के क्यों रखे हुए थे फिर, जब ये ऐसे रखे हैं तो दोनों एक ही चीज है ना, अलग अलग है। मुझे लगा ये दोनों के दोनों एक हैं, तभी तो मैं सोचूं इसके जो दाने थे वो छोटे कैसे थे और उसके दाने बड़े थे। दादी ने पूरा का पूरा छत भर दिया, अगर बंदर यहाँ पे आ गए ना तो पूरा का पूरा लेके निकल लेंगे। मेरी अभी अभी यहाँ पे नजर पड़ी है, मेरे सारे के सारे कपड़े पता बाहर पड़े हुए हैं। वैसे ये तो हमेशा बाहर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो भी है मैं सब ट्रंकेट के अंदर रख देता हूँ अपने। वहां से जैकेट निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड है। मैंने अपने सारे के सारे कपड़े पता अपने लगेज में रखे हुए, ट्रंकेट में नहीं डाले, लेकिन मैं एक बार ट्रंकेट खोल के देखता हूँ मेरे पास है क्या उसमें, क्योंकि इसके अंदर जो कपड़े आए हैं ना मैं वो पहनूंगा, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से वही वाले कपड़े पहन रहा हूँ जो उसके अंदर रखे हुए हैं सारे के सारे। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा चेंज हो जाए। इसे खोल तो ले, कितनी सारी जगह है। मेरे पास ये वाली टी शर्ट है, शर्ट है,
जैकेट पहनूंगा, इसमें फोटोज खिंचवाएंगे और इसमें तो जरूर फोटोज क्लिक करनी है। एंड पजामे ही पजामे यहाँ पर, टी शर्ट पजामा, क्या बात है। ऐसे लग रहा हूँ मैं कहीं ट्रिप पे निकला हूँ बहुत लंबे वाले। इसको तो यहीं रहने दो, मैं इसका क्या करूंगा, इसको भी अंदर रख देते हैं, सर्दियों में कौन शॉर्ट्स पहनता है। अब ये जो कपड़े हैं ना ये डालेंगे उसके अंदर, और वो जो कपड़े हैं वो डालेंगे इसके अंदर। अब कौन बार बार खोलेगा यार, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं। ये वाली टी शर्ट अच्छी लगती है मुझे, तो ये बाहर रहेगी। ये ट्रंकेट के अंदर पैंट्स भी अच्छी है, पैंट्स बाहर रहने दो। मैं सारे के सारे क्लॉथ्स रोल करके रख रहा हूँ, वैसे भी रोल करके रखा जाता है, इससे पता थोड़ा स्पेस कम यूज होता है। एक समय पे खरीदा था पता है मस्त लगता था, थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि लोग पता क्या कहते हैं, जेल वाले कपड़े पहन के घूम रहा है, लोगों का भी अलग ही सिस्टम है। मैगी का क्या करना है मेरे को, इसको गर्म करना पड़ेगा, लेके चलो। भीड़ लगी हुई है यहाँ पे तो सही में, पहले मैं सबको रख ही लेता हूँ। ये तो पूरा का पूरा बढ़ चुका है, वो भी पता सबसे ज्यादा कैसे भरा ये इस वाली जैकेट से, मेरे को कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, राहुल इस वाली जैकेट को दिल्ली लेके चला जाएगा, लेके चलते हैं सब। कहाँ पे रखे हैं, यहीं पे रख देते हैं। Just make you cry.